चाचा भतीजा की चाचा भतीजा एक साथ एक फ्लाइट में आए, क्या फिर कुछ नया इक्वेशन हो सकता है? कितना जरूरी है, देखते रहिए। बड़ी बैठक है, कितना अहम बैठक है। रखा उधर से ऑफर हो रहा है नीतीश जी को, टीडीपी को। सर सुनने में आ रहे हैं दोनों तरफ से बनाए जा रहे हैं सर। अरे सर, आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया? लग जाएगा, लग जाएगा। अच्छा, आप नीतीश जी के साथ सेमी फ्लाइट बनाए सर? हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। कोई संभावना तेजस्वी जी बन सकती है नीतीश जी के साथ फिर वापसी की? देखते रहिए, अभी देखते रहिए, इंतजार कीजिए। मंत्री जी के साथ आए चाचा सीएम रहेंगे सर की डिप्टी पीएम तेजस्वी जी क्या कहेंगे? आपकी बात भी हुई चाचा को, चाचा को ऑफर होगा? आपने बात किया उनसे? थोड़ा थोड़ा धैर्य रखा जाए, अभी देखते रहो। की सरकार बन रही है सर, एक मिनट इंडिया लाइन। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री आए हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। सेम फ्लाइट में पहुंचे थे दिल्ली, अब यहां से निकल रहे हैं, अपने आवास जा रहे हैं। उसके बाद आज शाम 6 बजे जो बैठक होगी इंडिया अलायंस की, उस बैठक में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। उनकी तरफ से जब नीतीश कुमार के साथ आने के पर सवाल खड़ा किया गया, पूछा गया कि आपने एक साथ यहां पर दिल्ली से दिल्ली तक की यात्रा की पटना से, तो उसके ऊपर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि धैर्य रखिए, देखिए आगे क्या होता है। अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन ये कहा गया कि धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या होता है। तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उसमें आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। उसके पहले 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है और उस बैठक में इस बात पर सहमति बनेगी, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और सभी लोग एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति के पास जाएंगे, समर्थन की चिट्ठी भी सौंपेंगे। अमितेश, अगर हम देखें तो आज ये जो बैठक है दोनों ही तरफ से काफी इम्पोर्टेंट बैठक है। और देखिए, हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे और ये तस्वीर दिखा रहे थे जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, और जैसा कि हमने आपको बताया था और वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि आज सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। पहले सीएम नीतीश कुमार बाहर निकले और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष दोनों ही अलग अलग बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते आगे और देखिए, देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे में एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो गई है, लेकिन इस बार चुनाव में एन फैक्टर पूरी तरह से हावी रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए में एन फैक्टर, पूर्ण बहुमत से चूकी बीजेपी। मोदी मोदी मोदी। नीतीश और नायडू का बढ़ा कद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और फैसला भी सुना दिया है कि देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन देश का विपक्ष भी उतना ही मजबूत रहेगा। एनडीए ने 272 के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत को पार नहीं कर पाई। ऐसे में नतीजे के बाद दो एन फैक्टर की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से होने लगी है। जिस दो एन फैक्टर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि दोनों एन फैक्टर ही मोदी सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे, उनमें से एक है बिहार के मुख्यमंत्री